लोग निकल पड़े हैं। देखिए भारत जोड़ो यात्रा के साथ हम यहाँ पर बात करेंगे। सर आप ये निकल पड़े हैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ने के लिए। लोग कहते हैं कि भारत तो कभी टूटा ही नहीं था, तो आप भारत को कैसा जोड़ेंगे? भारत टूटा नहीं है, उसे तोड़ने की साजिश की जा रही है उन लोगों के द्वारा जो कि सत्ता में बैठे हुए हैं। और जब सत्ता में बैठे हुए लोग अंग्रेजों जैसा काम शुरू कर दें, जो अंग्रेजों ने किया था कि फूट डालो और राज करो, बेरोजगारी का जवाब नहीं है, गरीबी का जवाब नहीं है, महंगाई का जवाब नहीं है, तो बस हिंदू मुस्लिम करो हर बात को, तो जब सत्ताधारी लोग फूट डालो और राज करो की नीति के तहत देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में जनता का कर्तव्य हो जाता है कि वो देश को जोड़ने के लिए सड़कों पे उतरे, इसलिए हम उतरे हैं सड़कों पे। योगेंद्र जी आप किसान आंदोलन में भी थे और इतने बड़े आंदोलन में ये भारत की आजादी के बाद का शायद सबसे बड़ी लंबी यात्रा है, बहुत बड़ा आंदोलन है। लोग कहते हैं कि भाई बीजेपी इतना सत्ता में है तो इस तरह की यात्राओं से कुछ नहीं होगा, कुछ परिवर्तन नहीं होगा। लोग अंग्रेजों के बारे में भी ये कहते थे कि अंग्रेजों की इतनी सत्ता है, सूरज नहीं डूबता, डांडी मात्रा यात्रा से क्या होगा, दुनिया ने देख लिया कि क्या हुआ। मुझे यकीन है दुनिया देख लेगी कि क्या होगा। बिल्कुल योगेंद्र जी, जिस तरह से बयान आरएसएस के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ खुले तौर पर कांग्रेस इस वक्त दे रहे हैं, राहुल जी भी आरएसएस के खिलाफ खुले तौर पर बात कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? मुझे बहुत खुशी है कि ऐसा हो रहा है। देशद्रोहियों के खिलाफ कोई तो बोले। इस देश में हिंदू और मुसलमान के बीच में नफरत फैलाना ये देशद्रोह है। अगर मेरे घर में आके कोई दो भाइयों का आपस में लड़ाए तो वो मेरे घर का दोस्त हुआ कि दुश्मन हुआ? बिल्कुल। अगर कोई भारत में रहते हुए भारत माँ के दो बच्चों को आपस में भड़काए, लड़ाए, झगड़ा करवाए, हिंसा करवाए, दंगा फैलाए तो वो भारत का मित्र हुआ कि भारत का दुश्मन हुआ? ये देशद्रोही लोग हैं और देशद्रोहियों के बारे में खुल के मंच से बोलना चाहिए। जिस तरह से ये लोग अपनी तथाकथित धर्म संसद करवा के अपने मजहब के लोगों के खिलाफ बोलते हैं, कहते हैं इसको मार दो, उसको काट दो, उसके खिलाफ कोई तो खड़ा होके बोले। मुझे बेहद खुशी है कि राहुल गांधी खुल के बोल रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि आरएसएस की स्थापना को 100 साल हो जाएगी और जब 100 साल हो जाएंगे तो इस राष्ट्र को जो एक भारत है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसको हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा, क्या ये यात्रा उस हिंदू राष्ट्र को रोक पाएगी? मैं समझता हूं कि 100 साल बहुत लंबी उम्र हो जाती है जी। उसके बाद उन्हें इस देश से उठ के वहाँ जाना चाहिए जिस देश से इनकी प्रेरणा है, वो जर्मनी है जी। वहाँ पे इन लोगों का ज़्यादा बेहतर आवास रहेगा, इस देश की मिट्टी के अंदर इनके लिए ठीक नहीं है। और रही बात हिंदू राष्ट्र की, इस देश के तमाम हिंदू संतों ने, इस देश के हिंदू समाज के सबसे बड़े नेताओं ने इस विचार को सोच के बार बार खारिज किया था। ये लोग ना हिंदू समाज को जानते हैं, ना इस देश की सभ्यता को जानते हैं। ये देश ऐसे विचार को कभी स्वीकार नहीं करेगा। जी योगेंद्र जी, खुले तौर पर राहुल जी सावरकर के खिलाफ बोले, बड़ी कंट्रोवर्सी महाराष्ट्र पूरे देश में हुई, ये कहा गया कि अब इस यात्रा को हम रोकेंगे क्योंकि हमारे आदर्श सावरकर है। क्या इस देश के सावरकर आदर्श हो सकते हैं? राहुल गांधी ने एक चिट्ठी दिखाई है जी। अगर वो चिट्ठी झूठी है तो लोग जरूर आके बताएं कि भाई सावरकर ने ऐसी कोई चिट्ठी लिखी नहीं, तो आप साबित कर दीजिए। और अगर वो सच बोल रहे हैं और उससे लोगों को दिक्कत है तो उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि सच से इतने परेशान क्यों हैं वो लोग। बिल्कुल, राहुल गांधी सच बोल रहे हैं। हमारे साथ योगेंद्र यादव जी थे। कन्याकुमारी से ये कारवां निकला है, कश्मीर तक जाएगा, भारत जोड़ो की ये संकल्पना है, देश के संविधान को बचाने की ये संकल्पना है। योगेंद्र जी आपको आगे के सफर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी। इस वक्त हम महाराष्ट्र में है, अकोला के नजदीक बालापुर से, और यहाँ से राहुल गांधी अपनी यात्रा लेकर जाएंगे। आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी।